बसपा पार्टी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है और हमारी बहन जी के नेतृत्व में 230 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता पर पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी और अगर ऐसा कुछ ना हो पाया तो इतना भरोसा जरूर है कि हमारी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अरे काहे की सिंधिया, सिंधिया की का कोई जड़े गड़ी इतने पे हैं कि कहीं कछु सिंधिया जी की जनता सिंधिया जी नहीं हारे गए और जनता जब करवट ले थे ना तो अच्छों अच्छों को पटक दे दे और जनता इस बार चंबल क्षेत्र की ग्वालियर क्षेत्र की सबक सबको सिखा के रहे दोनों पार्टियों को। बहुजन समाज पार्टी के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक बड़ी चुनौती होगी, कांग्रेस और बीजेपी एक चुनौती चुनौती के रूप में साबित होगी बीएसपी। देखिए हमारी पार्टी एक चुनौती ही है और चुनौती नहीं पूरी जीत के हमारी पार्टी आएगी चंबल क्षेत्र से और सबको सबको पीछे खदेड़ के आएगी। ये जनता का मत है और मैं आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से ग्वालियर चंबल की जनता जनार्दन से एक बार निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार आप बीएसपी पार्टी को सपोर्ट करें। मेरा आपसे बसपा अच्छा ये कौन बोल रहा है, ये तो बीजेपी कांग्रेस में होता है, दस दस दो दो पाँच पाँच करोड़ रुपया लेके टिकट बीजेपी और कांग्रेस देती है, हमारी पार्टी में नहीं। तो मैं प्रमाण हूँ और मैं भगवान के सामने वचन कसम खा के बोलती हूँ कि मुझे एक रुपया नहीं लगा था, दमोह जिले की चार सीटों पे एक रुपया नहीं लगा था, मैं प्रमाण हूँ। बहन जी मेरी पथरिया गई थी, उनका खुद का 10-15 लाख रुपए खर्च हुआ था, ये सब झूठा अल्लाह है। बिल्कुल आज भी आते हैं पर मुझे अपनी पार्टी से मतलब है, अपनी बहन जी से मतलब है, मैं अपनी बीएसपी पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगी। ये हमारी बहन जी का निर्णय रहेगा और गठबंधन की सरकार अगर ऐसा मतलब समय आता है तो फिर हमारी बहन जी निर्णय लेंगी और बहन जी के नेतृत्व में जो भी उनका निर्णय होगा वो होगा। अब मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा हमारी बहन जी निर्धारित करेंगी किसका होना है कौन होगा। नहीं नहीं राम भाई इतनी बड़ी नहीं है और मैं बहन जी की पार्टी की एक छोटी छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, उनके नेतृत्व में काम करती हूँ, उनके आदेश का पालन ही मानना करना मेरा कर्तव्य है और मैं वही करती हूँ। आप पार्टी को कैसे देखती हैं, आप मध्य प्रदेश में दखल कर रही है? अब देखिए आप आम पार्टी का जो है अभी कोई वजूद नहीं है ऐसा, और दखल जो कर रही है चुनाव लड़ने की सोच रही है तो ये तो मैं मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी कि क्या कैसा क्या इसका रहता है मतलब है आम पार्टी का, पर सुनने में आया है कि बहुत से हमारे क्षेत्र में भी लड़ते हैं पर ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-3,000 वोटों पर सिमट जाते हैं। आम आदमी पार्टी सहित आपके जो जितनी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन बना रही हैं 2023 के लिए मध्य प्रदेश में। महागठबंधन नेताओं को बनाना है ना, जनता को तो नहीं बनाना, तो जनता तो गठबंधन नहीं बना रही, तो भाई जनता का निर्णय नेता कैसे कर सकत, जनता का निर्णय जनता दिखाएगी, नेताओं को गठबंधन करने है करन दे, नेता अपने स्वार्थ के नाने का नहीं करे, कभी ये तय कभी वो तय कब हुई हो, जनता को स्वार्थ कहाँ जनता को हित कहाँ देगा, अपने स्वार्थ देख देख के तो सब चल रहा भारत में, लेकिन जनता ही बार मुंह तोड़ जवाब देगी। मध्य प्रदेश में चर्चाएं चल रही है कि इस बार बीजेपी सीएम चेहरा बदल सकती है, तो आपको क्या लगता है कि सीएम चेहरा बदल सकती है? देखिए बीजेपी में चेहरा बदले ना बदले